देख रहे हैं मकई का दाना है, और ये मकई का दाना अभी हम लोग टोभने के लिए सोके रोपने के लिए आए हैं। और ये मकई हम इसलिए अभी रोप रहे हैं ताकि इससे मवेशी का उस समय में जो चित बैसाख में जो मवेशी के चारा का जो टेंशन हो जाता है वो टेंशन नहीं रहे। अगर बाली निकलेगा तो इसको भी यूज करेंगे, नहीं अगर बाली आया तो निश्चित रूप से जो है सो इसको हम लोग पेड़ को इसका जो पौधा होगा मकई का पौधा होगा उसको हरा चारा में काट के मवेशी को देंगे खिलाएंगे। अब देख रहे हैं तो इधर आपको यहीं दिखाए थे जो प्याज और साग सब जो है सो लगाए हैं, और जो जगह देखते हैं इतना जगह खाली है, इस खाली जगह में सोचे हैं जो मवेशी के लिए भी कुछ होना चाहिए। अरे आदमी तो खरीद के भी खा लेता है, बाजार से भी चावल दाल खरीद लेता है, लेकिन मवेशी के लिए हम लोग के यहाँ चारा बिकता नहीं है तो मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था भी करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग अभी मकई जो है सो टोभ रहे हैं, इतना में जो अभी हम लोग टोभ दिए हैं ये सब टोभ दिए हैं इधर, और जो आपको मकई अभी दिखाए हैं और मकई को जो है सो अभी हम लोग टोभ रहे हैं ताकि इसका भी पौधा होगा तो काम होगा। मकई निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो हरा चारा में तो ये काम आएगा ही। तो दोस्तों हर समय हम लोग अपना और अपने मवेशी के लिए, मैं ही नहीं हर किसान को ये टेंशन रहता है जो अपने मवेशी को हरा चारा के लिए क्या लगावें। अभी तो कुछ दिन के बाद सीजन आएगा हरा चारा का, जिसमें कि जनेर होगा, सुडान होगा, जो अब खेरही बाग होगा ना, तो उस खेरही के साथ वो सभी बाग करेंगे। कहीं मवेशी के लिए अलग से सुडान भी लगाएंगे, जनेरा भी लगाएंगे, और APL तो हम लोग के यहाँ नहीं होता है, जो APL लगाएंगे काहे तो पानी का परेशानी रहता है, पानी का दिक्कत रहता है, जिस कारण सब कुछ देखते हुए। और यहाँ इसलिए हम लोग लगा दिए हैं कि बगल में जल नल का आए देखते हैं टावर है, और जल नल के टावर में पानी जब सप्लाई देता है तो यहाँ भी एक नल है, उस नल से हल्का फल्का हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। और अभी यहाँ तक आप देख रहे हैं मिट्टी जो चिकना है वहाँ तक हम लोग टोभ दिए हैं, और एक डेढ़ घंटा लगेगा टोभने में जिसको टोभ देंगे। तो दोस्तों मैं बार बार अपने ब्लॉग में, काहे तो मैं भी किसान हूँ और किसान के संबंध ही अपना ब्लॉग मैं बनाता हूँ, और ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे खेती में जहाँ अगर कमी रहता है वहाँ आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, कमेंट भी किया करें। तो इसमें आप अभी देख रहे हैं कि थोड़ा जो है सो हल जोताया हुआ था तो इसमें घास लग गया था, जैसे घास का सूखा हुआ डंठल ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तब हम लोग सोचे हैं जो इसको जब मक्का का गाछ निकल जाएगा फिर पटवन दे के और फिर इसमें निकोनी कमैनी कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं बार बार हम कोशिश करते रहते हैं कि अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जिस ढंग का हम खेती करते हैं उस ढंग से आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया करूं। और YouTube भी चलाते हैं तो YouTube को के लिए भी ब्लॉग बनाना ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ हम लोग दोनों काम कर लेते हैं कि ब्लॉग भी बना लेते हैं और उसके साथ काम भी कर लेते हैं, जो काम करते हैं उसी का ब्लॉग बनाते हैं ताकि हमारे जो भाई हैं वो भी मेरे ब्लॉग को कम से कम देखे। और जहाँ हमारे भाई को समझ नहीं आता है वहाँ हमसे भी जानकारी ले, और जहाँ हमको मिस होता है वहाँ हमें भी जानकारी दें कमेंट के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे चुका हूँ, उससे भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। अब देख रहे हैं पहले जो है सो हम लोग का घर यहीं था तो यहाँ से हम लोग घर हटा लिए, कहे तो ये नदी किनारे में ही
बहुत नज़दीक है नदी से, जिस कारण बस हम लोग बांध के बाहर चले गए हैं। और ये लंबा चौड़ा घड़ारी है, 5 कट्ठा का घड़ारी है, जिसमें जितना घर था वहाँ तो नहीं कुछ उपज रहा है, वहाँ तो ईंटा पत्थर है, लेकिन उसके बाद जो है उसमें हम लोग हर ढंग का जो है सो पौधा भी लगाए हुए हैं, जैसे आम, बैर, रुद्राक्ष, पलास, गरम मसाला जी, माने तेलपत्ता का पेड़, इस तरह से अनेक प्रकार के पौधा हम यहाँ लगाए हुए हैं। और आप देख भी रहे हैं जो वन विभाग के द्वारा, जो कृषि विभाग के द्वारा निकला था, उससे भी हम पौधा यहाँ लगवा दिए हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है तो सबसे बहुत परेशानी है जो नीलगाय और शुगर बहुत परेशान मचाता है किसान को, जिसके चलते हम लोग इतना मेहनत करके फसल उगा भी लेते हैं, लेकिन जब वह कटने का टाइम आता है तो ये सबको बर्बाद कर देता है। पहले सोचे थे कि इसमें ओल लगाएंगे, लेकिन यहाँ फिर ओल तो है शुगर बहुत तबाह करता है, ओल को पूरा थुथना से खून देता है, फसल नष्ट कर देता है, जिस कारण इस बार सोचे हैं कि इसमें हल्दी और आदि का खेती जो है सो करें। तो हल्दी आदि के लिए भी हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं, जब बीज आएगा तो हल्दी आदि भी यहाँ लगाएंगे। तो हल्दी आदि में तो अभी टाइम है, काहे तो बरसात से कुछ पहले लगाना पड़ता है, तो इस बीच इससे पहले हम लोग का जो है सो मक्का निकल जाएगा। और जब तक ये मक्का होगा तब तक फिर सूडान का और जनेरा का भी टाइम आ जाएगा, तो मवेशी को भी हरा चारा का कमी नहीं होगा, हरा चारा उसके लिए हमेशा मिलता रहेगा। अभी जो है सो हम लोग मवेशी को हरा चारा में जो है सो मसूरी, खेसारी, ये सब जो है सो उखाड़ के देते हैं। और जब हरा चारा का सीजन या मसूरी उखड़ जाएगा उस समय में परेशानी हो जाएगा, काहे तो अब 15-20 महीना दिन में लगभग मसूरी उखड़ना शुरू हो जाएगा। फिर जब मसूरी उखड़ेगा तो उसके बाद जो है सो खेरही का सीजन आएगा, खेत में लोग खेरही लगाएगा। तो अभी एक महीना के लिए तो मान लीजिए है परेशानी, जब तक मसूरी है तब तक तो मान लीजिए हरा में उसको हम लोग काट के खिलाते हैं, लेकिन जब मसूरी उखड़ जाएगा तो उसके बाद परेशानी हो जाएगा। उस परेशानी को ही दूर करने के लिए अभी हम लोग हरा चारा के लिए जो है सो मक्का टोह रहे हैं। और जब मक्का समाप्त होगा कहे तो 10-15 दिन के बाद जो इसका है पौधा निकल जाएगा, पर पटवन उटवन कर देंगे तो निश्चित रूप से जो है सो महीना दिन में जो है से भी खिलाने लायक हो जाएगा। जब तक हरा चारा ख़त्म होगा तब तक जो है सो ये मकई हरा चारा में पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है सो अभी मकई खोह रहे हैं, टोह रहे हैं। और उसके बाद मैं तो आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जो भी मैं खेती करता हूँ उसका ब्लॉग बना के आप लोगों के सामने में रखता हूँ, ताकि अगर आप भी नहीं करते हैं तो कुछ कुछ कीजिए, और मैं जो कर रहा हूँ उसमें जो कमी आपको समझ आ रहा है उस कमी को आप बताएं, मैं वो कमी को दूर करूँगा इसी प्रकार से जो होता है, ताकि हर एक दूसरे को सजेस्ट करना चाहिए, सेशन करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे की ही मदद से हम और हमारे समाज आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो देख रहे हैं कि हर जगह आम का पौधा लगा हुआ है, और नया नया वैरायटी का भी हम आम ला के यहाँ रोपते हैं। और इधर भी आप देख रहे हैं कि उस दिन आपको मैं बताया हूँ जो प्याज रोपा हूँ, तो प्याज का पौधा लग चुका है। और इधर जो खाली ज़मीन था उसमें मकई लगा रहे हैं, और मकई का जो मकसद है, मेन मकसद है हरा चारा के लिए। और जो गाछ बच जाएगा अगर देखेंगे उसमें फल आता है, मकई का निकलता है उसमें से फल, तो कुछ पेड़ को जो है सो खाने के लिए भी छोड़ देंगे। और जैसे जैसे
मेरा ये पौधा निकलेगा तो हर ढंग से मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता रहूँ, जानकारी देता रहूँ, और आपका जो सजेशन जो है सो मिलता रहे। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम हर वक्त अपना जो है किसान का जो काम है, अपना जो हम खेती करते हैं उसका हम ब्लॉग बनाया करते हैं। देखिए लीची का भी सीजन आ गया है, तो यहाँ तो देखते हैं कि ये लीची का पेड़ है, उधर लीची का पेड़ है, इधर लीची का पेड़ है। तो अपने खाने लायक हम लोग सब कुछ जो है सो लगभग यहाँ लगाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा परेशानी यही हो रहा है जो घर तो यहाँ से दूर है, आने जाने में समय लग जाता है, तो फसल का बर्बादी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देख लीजिए किसान का यही दुख है, यही तकलीफ है किसान के साथ कि मेहनत करने के बाद भी किसान अपने तक सीमित रह जाता है। और हम लोग तो बड़ा किसान हैं नहीं, हम लोग तो एक छोटा किसान हैं, और छोटा किसान को क्या परेशानी होता है, जो मेरे जैसा किसान होंगे वो सभी जानते होंगे जो छोटा किसान के साथ क्या क्या परेशानी होता है, कितना उनके पास पैसे का अभाव रहता है। और अभी के दौर में अगर आपके पास पैसा का कमी है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ये तो आप जितने हमारे सभी भाई हैं सब जानते हैं। इसीलिए इतना है जो सिर्फ खरीद के खाना नहीं पड़ता है, जैसे तैसे मेहनत करके हम लोग जितना भी साल भर खाते हैं वो अपना खेत से निकाल लेते हैं। मेहनत तो पूरा करना पड़ता है, काहे तो भाई पहले लेबर का कोई कमी नहीं रहता था, अभी का ये दौर हो गया है जो सरकार के द्वारा जो कोटा मिलता है फ्री में तो लोग नहीं कमाना चाहता है। और यही परेशानी है हमारे साथ ही नहीं, जितने भी यहाँ के किसान हैं छोटे हो या बड़े हो सबके साथ ही ये परेशानी है। अगर फसल तैयार भी हो जाता है तो उसका फसल समय पर काटने के लिए भी लेबर नहीं मिलता है, न रोपने के लिए मिलता है, बहुत परेशानी है हम लोग के साथ। लेकिन करें तो क्या करें, आखिर जो बाप दादा का जो दिया हुआ ये प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसको तो उपजा के अपना भरण पोषण तो करना ही पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों को खुद मेहनत करना पड़ता है। मान लीजिए जुताई तो हम लोग ट्रैक्टर से कर लेते हैं या करवा लेते हैं, लेकिन रोपनी के समय में बहुत परेशानी होता है। अब दूसरे आदमी जो भी है वो खेत जो है सो न मनहुंडा लेना चाहता है, न बटैया लेना चाहता है, ये सभी देहात में गांव में बहुत परेशानी है। और अपने लिए तो मान लीजिए कि यही सोचते हैं कि हम लोग अगर नहीं उपज पाएगा, नहीं बरसात होता है, नहीं खेत में उपजता है, तो भाई चावल दाल बाजार से भी खरीद के अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जो मवेशी हम लोग रखे हुए हैं जिसके बदौलत हम लोग का खेती होता है, अगर उसके लिए अगर खाने का व्यवस्था नहीं होगा तो फिर बहुत परेशानी है हम लोग के साथ। और कोशिश हम लोग रखते हैं कि हर समय कुछ न कुछ अपने खेत में लगाएं ताकि अपना भी खाने के लिए जो है वो निकले, और साथ ही मवेशी के लिए जो है सभी व्यवस्था रहे। सबसे पहले तो मनुष्य के साथ मवेशी का बहुत परेशानी है। अभी तो मान लीजिए कि अपना खेत में हो जाता है, लेकिन जब बाढ़ का सीजन आता है उस समय में सब डूब जाता है, हर जगह पानी रहता है, उस समय तो मवेशी के लिए और परेशानी हो जाता है। और दुधारू महीस जो हो जाता है उस समय उसको हरा कुछ चारा चाहिए ही, जिसले के सब सोच के जो है सो लगाना पड़ता है।
पटना में देखिए, हम लोग यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो है वहाँ तक इधर इतना दूर में हम लोग लगा चुके हैं, मकई को टोक चुके हैं। इसी में प्याज है, इसी में पलांकी साग है, सब पार्ट बाय पार्ट बना के हम लोग लगाए हैं। लगाने के बाद जो है सब, जब इसका साग भी होगा या प्याज का भी होगा, मैं फिर आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा, जो मेहनत किए तो क्या उसका रिटर्निंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, हम लोग एक छोटा किसान हैं और छोटा किसान के साथ साथ कुछ ज़मीन है, उस ज़मीन में हर समय क्या लगावें, क्या माने करें, दलहन लगावें, धान लगावें, गेहूं लगावें, ये सब मान लीजिए कि सोचना पड़ता है। और हर समय मैं आपको बताया हूँ, धान का मैं भी ब्लॉग बनाया था, गेहूं का जो पटवन था दूसरा उसका भी मैं ब्लॉग बनाया था, जो आप देखेंगे मेरा ब्लॉग सब में तो आप पाएंगे। जो मैं किसान हूँ तो हर जो खेती होता है उसको मैं अपने ब्लॉग में उसको डालता हूँ। तो किसान का यही ज़िंदगी रहता है। और इसको जो है सो हम लोग इसमें मोहगनी लगाए थे, तो वन विभाग के द्वारा जो है सो इसको चारों तरफ से घेरा किया गया था, और उसी में आप देख रहे हैं कि हर जगह मोहगनी का ही चारों साइड साइड पेड़ लगा हुआ है, और पेड़ भी अच्छा खासा निकल चुका है मोहगनी का भी। अब जितना ही दिन मान लीजिए कि इसमें हो रहा है, हम लोग सब्जी चाहे मवेशी के लिए हरा चारा भी लगा देते हैं। जब ये पूरा छावदार ज़मीन हो जाएगा तो फिर इसमें कुछ भी हो पाना संभव नहीं लगता है, तब तो फिर इसमें बार बार जो है सो और आम का पौधा ही लगाना पड़ेगा। कहे तो छाया में जो है सो किसी भी प्रकार का फसल नहीं होता है। किसी भी प्रकार के फसल के लिए आपको चाहिए जो धूप लगना चाहिए, और पेड़ पौधा जो है यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए जितना दिन हो सकता है हम लोग मेहनत करके अपने लिए मवेशी के लिए कुछ न कुछ निकाल रहे हैं। जब नहीं निकलेगा तब यहाँ और पेड़ पौधा ही लगा देंगे और इसको बगीचा ही बना देंगे। अब इतना बाकी रह गया है, अब बीज भी हम लोग के पास में थोड़ा कम बचा हुआ है, तो जितना तक होगा हम लोग अभी टोभ देते हैं, फिर जो बच जाएगा उसको दूसरे दिन आके टोभेंगे। और यहाँ हम जो है सो बहुत वैरायटी वैरायटी का जो है सो लगाए हुए हैं, जैसे काला हल्दी भी यहाँ लगाए हुए हैं, इसमें करेंगे जो पौधा निकल जाता है तो फिर पटवन दे के, और फिर इसको कमीनी निकुनी भी करना होगा, नहीं तो फिर बाग कर दिए हैं घास ही हो जाएगा, तो भाई फसल से ज़्यादा घास ही निकल जाता है। तो अभी पहला काम था मकई टोहना, तभी हम दोनों आदमी मकई टोह रहे हैं, और बीच बीच में
ब्लॉक भी बना रहे हैं। और हम अपने ज़मीन में भी आप देख रहे हैं जो ये जल नल का घर है वो मैं ही दिया हूँ बोरिंग के लिए और ये टावर के लिए, जहाँ ये बना है तो ये देने से भी हम लोग को कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पानी पीने के लिए जो नल दिया हुआ है उसी नल का से थोड़ा मोड़ा हम लोग पानी का जो है यूज कर लेते हैं। काहे तो आए दिन ये भी ज़्यादा ख़राब ही रहता है, कभी इसका स्टार्टर जल जाता है तो कभी स्टेबलाइजर जल जाता है, इसलिए कि ये भी परेशानी बना हुआ रहता है। वैसे यहाँ भी मेरा पहले घर था तो यहाँ भी मेरा दो दो चापाकल है, आप उधर देखते होंगे, और एक चापाकल इधर जितना ये वन जैसा लगता है उसमें झपा गया हुआ है। और पहले तो हम लोग यहाँ मोटर रहता था तो मोटर से सभी को पानी डालते थे, लेकिन अभी जो है सो इतना ही पटाने में 5 दिन 6 दिन लग जाता है, काहे तो एक दिन में आते हैं तो 2 से 3 क्यारी पड़ता है इस पानी से, वही बहुत हो जाता है। दोस्तों आप मेरे चैनल को देखते हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं एक छोटा किसान हूँ मेरा भी हौसला बढ़े कि भाई हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो को हमारे भाई बहन लाइक सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार हर अपने हर ब्लॉग में आपसे निवेदन करता रहता हूँ जो आप मेरे चैनल को कम से कम लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि ब्लॉग बनाने में मेरा भी हौसला बना रहे और मैं अपने साथ आप लोगों के लिए भी ये ब्लॉग बनाता रहूं। तो अभी तो खेती का सीज़न है इसीलिए मेरा ज़्यादा ब्लॉग खेती पर ही रहता है, और वैसे मैं किसान भी हूं तो मेरा मेन जो है सो फार्मिंग पर ही ब्लॉग बनता है। और आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मेरा ज़्यादातर ब्लॉग खेती पर ही निर्भर रहता है। वैसे कभी काल जो टूर पर निकलते हैं या किसी पूजा पाठ में जाते हैं तो भी ब्लॉग मैं आप लोगों को लोड कर देता हूं, वही वीडियो को आप लोगों को जानकारी देता हूं जो मैं यहां गया था। मेरा खुरपी भी देख लीजिए कि हम कैसा खुरपी लेके बीज तोपते हैं, ये खुरपी मैं खुद ही चलाता हूँ। इसमें देखते हैं कि लोहा का बेंट हम लगवाए हुए हैं, बेलिंग करवाए हुए हैं, काठ का बेंट रहता है तो वह छूट जाता है ढेपा उपा फोड़ने में, इसीलिए हम लोहा का बेंट लगा के इसको बेलिंग करवा दिए हैं। अब यहाँ हम लोग को आधा घंटा और लगेगा, काहे तो मैं तो अभी ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरी मैडम जो है सो अकेला जो है सो मकई टोह रही है, अब ब्लॉग बना के मैं भी उनका साथ दूंगा। और यहाँ अभी हम लोग यहाँ न पानी हो रहा है न कुछ, और 3-4 दिनों से मौसम ऐसा किए हुआ है जो बुझाता है कब आंधी आएगा, तूफान आएगा, पानी आएगा, बड़ी समस्या बुझाई पड़ रहा है। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जो पशु के लिए हरा चारा टोभा हूँ मकई का, उसका ब्लॉग आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिखाया हूँ। आपको मेरा चैनल पसंद हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही
मैं तो फार्मिंग हूँ, तो मेरा जो भी ब्लॉग रहता है फार्मिंग पर ही आधारित रहता है, किसान पर ही आधारित रहता है। इसलिए मेरा उम्मीद है कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, साथ ही पसंद आए उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।